Hello everyone, myself Anushree Soni. Today we will discuss about data analysis. What data analysis is? So let's start. Data analysis, two words se milkar bana hai. First data and second analytics. So data kya hota hai? Data kya hai? सेट है वैल्यूज़ का, और वो वैल्यूज़ क्या हो सकती है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो डेटा क्या है? डेटा इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स. ये इंफॉर्मेशन है हमें, जो भी हमें वर्क करना है, जो भी हमें जिस भी थिंग से रिलेटेड ये डेटा है, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकती है और रो फॉर्म में भी हो सकती है. और इसको हम कैसे, किन टर्म्स में हम इसको मेज़र करेंगे? इनको हम मेज़र करेंगे फिगर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स के टर्म्स में. सो डेटा इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एंड दैट वेरिएबल्स आर, एंड दैट डेटा इज़ इन रो फॉर्म और इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म. सो नेक्स्ट, व्हाट एनालिसिस इज? एनालिसिस क्या है? एनालिसिस एक इंटरप्रिटेशन है या फिर कम्युनिकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है उसकी समरी निकालते हैं, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं. तो वो डेटा एनालिसिस इज, डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स. डेटा एनालिसिस क्या है कि जो डेटा सेट्स हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे, उनको एग्जामिन करके उसमें जितनी भी मीनिंगफुल कंटेंट है हमारे पास, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, उन सबको उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय ऑर्गेनाइजिंग इट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट or by converting it from row to the desired format. So we have three types of analytics: descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. So descriptive analysis hame kya batata hai ki what has happened, matlab ki kya hua hai. To isme data aggregation summary aa gayi aur data mining aa jayega. अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या आएगा? ये तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपका, कि क्या हुआ है हमें वो बताना है कि क्या हैपन हुआ है. तो उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को एग्रीगेट कर देंगे, डेटा जो अवेलेबल है उसको समराइज कर देंगे या फिर उसकी माइनिंग कर देंगे. अब सेकेंड ये है कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब क्या हो सकता है, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल डेटा सेट है उससे आगे क्या हो सकता है, आगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकती है, आगे क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है. तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है वो क्या होगी, रिग्रेशन हो गई आपकी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो गई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई. थर्ड वन इज़ प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, दैट इज़ व्हाट शुड वी डू, कि अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी तरफ से अब हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो ऑप्टिमाइजेशन और रिकमेंडेशन. तो ये थ्री स्टेजेस हैं एनालिसिस की. सबसे सिंपलेस्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमें डिस्क्राइब करना है. सेकंड वन इज़ प्रिडिक्टिव, जिसमें हमें प्रिडिक्ट करना है कि आगे क्या हो सकता है. एंड थर्ड वन इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमें ये बताना है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए. सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. डेटा नंबर्स या फिर डेटा को एनालाइज करने को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर किसी भी फील्ड जो है उसकी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकल कर आया, जिसका मतलब क्या होता है, पोजीशन या फिर मैनर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम किस तरीके से उसको समझ रहे हैं. तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे इसके यूजेस हैं. फर्स्ट ये यूज़ किया जाता था टैक्स असेसर से. वो क्या करते थे इससे, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते थे, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे पास असेट्स कौन से हैं और उनमें से जिनसे हम टैक्स ले सकते हैं, असेसिंग टैक्सेस कौन से हैं. तो असेट्स हमने पता किए, उसके बाद हम उसमें से क्या पता करेंगे कि इसमें से कितने वो हैं जो कि हमें टैक्स दे सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज़. इट इज़ अ फील्ड, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ फील्ड. इट इज़ एनालिसिस ऑफ एनी डेटा सेट और इट कंटेन्स डेटा और नंबर्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. इन डिस्क्रिप्टिव वी विल डू द थिंग्स आर कलेक्टिंग, वी कलेक्ट द डेटा, वी ऑर्गेनाइज द डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट और इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, एंड देन वी समराइज द डेटा एंड देन वी प्रेजेंट द डेटा. दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव
स्टैटिस्टिक्स. इन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी विल डू मेकिंग इन्फ्रेंसेस. हम इन्फ्रेंसेस बनाएंगे कि हाँ हमारे पास ये अवेलेबल है, ये हम कर सकते हैं या ये हम कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्रेंसेस हम बनाएंगे. सेकेंड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बनाएंगे कि फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी हमने अवेलेबिलिटी बता दी और कोई भी हमने मॉडल तैयार कर दिया, अगर वो उस मॉडल को या उस कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हम उस स्टेज पे जाएंगे, अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है तो नेक्स्ट क्या स्टेजेस हो सकती है वो हमें उससे पता लगेगी. नेक्स्ट, डेटा माइनिंग रिलेशनशिप्स. हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स निकालेंगे बिटवीन द डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स और बिटवीन द डिफरेंट असेट्स वी हैव. एंड देन मेकिंग प्रिडिक्शंस. इधर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शंस भी करेंगे. जो हमारा थर्ड नंबर का टाइप ऑफ एनालिटिक्स था वो भी उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज वी हियर वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द रो डेटा एंड वी जस्ट डू द ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रो डेटा. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल थ्योरी होती है कि पास जितना भी डेटा होता है उस सब को निकाल के उस सब में से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन कंटेंट निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा. जैसे अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है तो हम क्या कर सकते हैं, एज का सैंपल है तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एज ऑफ अ सैंपल निकाल सकते हैं. तो ये क्या है, डेटा को डिस्क्राइब करने का बहुत ही सिंपल वे है जिसमें हम जितना भी पास्ट डेटा अवेलेबल होता है उसको यूज़ करते हैं. कोई भी आगे की क्वेरी नहीं करते हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ जो डेटा अवेलेबल है उसकी डेटा स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, रो डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं, उस डेटा को फिर हम प्रेजेंट करते हैं. एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कब होगी, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद होगी. इसमें हम क्या करेंगे, इन्फ्रेंसेस निकालेंगे और हाइपोथेसिस करेंगे उनके पर. मतलब अब हमें क्या करना है, जितना डेटा अवेलेबल था उससे तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट आ गया, अब हम इस डेटा के साथ और आगे क्या कर सकते हैं, कौन कौन से न्यू टेक्निक्स इस पर लगा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्रेंशन. मतलब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डेटा के बारे में. सो ये क्या होगा, आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद होगा. तो फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो तो आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके आगे जो फॉर्म होगी जिसमें हम टेक्निक्स लगाएंगे, जिसमें हम उसको एक्सप्लोर करेंगे डेटा को, वो क्या हो गया, आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ वेरिएबल, यहाँ पे हमने देखा कि डेटा क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है. तो डेटा हमें किस फॉर्म में मिलेगा, सेट ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में मिलेगा. अब वेरिएबल क्या होता है, एनी कैरेक्टर एनीथिंग दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू जो कि वेरी कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लिनिकल है उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर पर्टिकुलर इनलेस को लेकर. तो अब इसमें वेरिएबल्स क्या, कोई भी पर्टिकुलर इनलेस हमने ले ली तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. तो अब इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, सेक्स की दैट ही इज़ अ मेल और अ फीमेल. इफ़ ही इज़ अ मेल और इफ ही इज़ अ फीमेल देन डिजीज कैन वैरी. और एज, अकॉर्डिंग टू द एज दैट पर्टिकुलर इनलेस कैन वैरी. और हाइट ऑफ द पेशेंट्स. सो दे दीज आर द वेरिएबल्स ऑन विच माई कलेक्शन ऑफ बेसिक क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स. सो यहाँ पर ये जो हो रहे पर्सन टू पर्सन, एज टू एज और वेट टू वेट वेरी करेंगे पर्सन के. तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे वेरिएबल्स हो जाएंगे. हमारी जो एज है वो भी एक वेरिएबल है बिकॉज इट कंटिन्यूसली वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कैटेगरिकल वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स. कैटेगरिकल वेरिएबल को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल. सो कैटेगरिकल वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेक्चर, यू कैन गो थ्रू दैट. सो नॉमिनल वेरिएबल्स आर, नॉमिनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होती है लेकिन अनऑर्डर्ड होती है. जैसे कि मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप अभी ऑर्डर्ड नहीं है लेकिन बोथ द कैटेगरीज आर. जैसे ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ए बी और ओ,
तो ये सब एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव का मतलब एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है लेकिन अनऑर्डर्ड है. हम उनको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्डर नहीं कर सकते. ऐसे ऑर्डिनल क्या होगा, ये कैटेगरीज तो एक दूसरे से अलग है लेकिन ये ऑर्डर्ड वे में. जैसे कि डिजीज़ की सीवियरिटी क्या होती है, कोई भी डिजीज़ अगर होती है तो उसकी सीवियरिटी कैसे माइल्ड, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज पर होंगे तो बिल्कुल माइल्ड होगी, सेकेंड स्टेज मॉडरेट हो गया, थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया. तो ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड वे में है. ऐसे अगर हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बात करें तो उसमें दो होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. तो डिस्क्रीट में क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज़ होती है, टिपिकल काउंट होते हैं, या फिर नो नोशन ऑफ मैग्नीट्यूड जहाँ पे भी आएगा वो क्या हो गया, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो जाएंगे. जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, डेज सिक पर ईयर, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं. और कंटिन्यूस वेरिएबल्स में होता है जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं. टेक एनी वैल्यूज़ इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैव अ मैग्नीट्यूड. सो जैसे वेट इन केजी, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, वेट विल इंक्रीज और डिक्रीज, सेम नहीं रहता है. ऐसी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, इट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये क्या रहती है, चलती रहती है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. यूनिवेरिएट एनालिसिस वो होता है जहाँ पे हम ओनली एक ही वेरिएबल को एसेस करते हैं, एक ही वेरिएबल को एनालाइज करते हैं एक टाइम पर. हमें क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल को एनालाइज करना है एक बार में. जैसे वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई अदर वेरिएबल को हम एनालाइज नहीं करेंगे. बायवेरिएट एनालिसिस मतलब हम क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स को एग्जामिन कर रहे हैं साथ साथ, दो वेरिएबल्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो टू वेरिएबल्स एनालाइज्ड एट अ टाइम. जैसे हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन जेंडर एंड वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. जेंडर और वेट में हम रिलेशन निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बायवेरिएट एनालिसिस है. मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मोर देन टू वेरिएबल्स आर एनालाइज्ड एट अ टाइम. एक ही टाइम पर साथ के साथ हम एक, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, हाइट एंड वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला है. सो अगर हम एक वेरिएबल का एनालिसिस करेंगे तो वो कहलाएगा यूनिवेरिएट, दो वेरिएबल्स का एनालिसिस करेंगे वो कहलाएगा बायवेरिएट, और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस. अब पर्पस क्या होता है इन डिफरेंट एनालिसिस का, जैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस है उसका पर्पस है मेनली डिस्क्रिप्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. बायवेरिएट का क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें, डिटरमाइन कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे वेट और जेंडर के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो ये क्या किस काम में आता है हमारा, इसका पर्पस क्या है, डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, हम इसमें रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं या रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं अमंग मल्टीपल वेरिएबल्स. सो फर्स्ट वन इज़ योर यूनिवेरिएट एनालिसिस. दिस इज़ द एग्जामिनेशन अक्रॉस केसेस ऑफ वन वेरिएबल एट अ टाइम. यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे एक बार में. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू ग्रुप डेटा. वन मे सेटअप मार्जिन दैट अलाउज अस टू ग्रुप केसेज इन टू कैटेगरीज. जैसे एज कैटेगरी हो गई तो एज हो गया ओनली, एज को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. प्राइस कैटेगरी में प्राइस को एनालाइज करेंगे, टेम्परेचर कैटेगरीज में टेम्परेचर को एनालाइसिस करेंगे. अब यूनिवेरिएट एनालिसिस भी दो तरह की स्टेटिस्टिक्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हो गया और एक इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स हो गया. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या होता है, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है हमको, जो हम किससे निकालते हैं, मेन, मीडियन और मोड से. और हमें डिस्पर्जन निकालना होता है, वो हम निकालते हैं रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन से. इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में क्या आता है, हमारा जेड टेस्ट, टी टेस्ट और ची स्क्वेयर टेस्ट. अब जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वेयर टेस्ट, ये हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके आगे हम डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए जो करेंगे वो यहाँ पे आ गया. और जो डेटा अवेलेबल है उसके बारे में अगर हम जानकारी निकाल रहे हैं, उसके बारे में अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आएगा. सो मीन, मोड एंड मीडियन. फर्स्ट वन इज़ मीन. तो मीन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास चार स्कोर्स हैं,
15, 18, 22 एंड 20. अब इसका मेरे को मीन निकालना है. मीन का सीधा सीधा सा मतलब होता है एवरेज. मैं क्या कर दूंगी, इन चारों जो वैल्यूज़ हैं इनका एवरेज निकाल दूंगी. 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 4. तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, राउंड अप ले लेंगे. तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मीन कहलाएगी. सेकेंड वन इज द मीडियन. मीडियन क्या होता है कि डेटा सेट के मिडल वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. अब अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे. और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ सीरीज़ है या ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 3, 9, 15, 17 एंड 44, मतलब यहाँ पे तो कम है डेटा सेट हमारे पास 5 है, इसलिए हमें पता है कि थर्ड नंबर का होगा. लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका होगा एन प्लस वन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ऑब्जर्वेशन. तो एन प्लस वन, एन कितना है यहाँ पे 5, 5 प्लस वन 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3. तो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. ऐसे ही अगर हमारे पास डेटा सेट जो अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, एन बाई 2 प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे कितना था, 6 है हमारे पास, तो n by 2 और n plus 1 divided by 2. तो अगर ऐसे करके निकालेंगे तो जो भी बीच की टू वैल्यूज़ आएगी हमारे पास 8 और 12, इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे. 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 10. तो 10 यहाँ पे क्या हो गई, हमारी मीडियन हो गई. ऐसे अगर हम मोड की बात करें तो मोड का मतलब होता है हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करें कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार आ रहा है आपके डेटा सेट के अंदर. तो मोड क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है, कि जितनी ज़्यादा बार कोई वेरिएबल आएगा उतना ही उसका मोड होगा. जैसे अगर हम देखें इसमें 3, 3, 8, 9, 15, 15, 15, 17, 17, 27, 40, 44, 44, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑकरेंस है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 15 की, कि वो 3 टाइम्स आया हुआ है. और है जैसे 3 है, 17 है, 44 है, लेकिन ये 2 टाइम्स आए हैं और 15 3 टाइम्स आया हुआ है. तो मोड किसका हो गया है यहाँ पे, मोड क्या कहलाएगा हमारा, 15 कहलाएगा. ऐसे ही अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे, जैसे कि 3 देखिए, 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 15 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 17 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 44 भी 2 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 मोड्स हो गए, 3, 15, 17 एंड 44. सो दिस इज व्हाट मीन, मीडियन एंड मोड. In next lecture, we will learn about data screening.